नमस्कार, घमासान.com में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश तिवारी और इस वक्त हम चर्चा करने बैठे हैं अंतरिम बजट पर, जो संसद में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पेश किया है। मेरे साथ मौजूद है वरिष्ठ आर्थिक संवाददाता, आर्थिक मामलों के जानकार आलोक ठक्कर जी। आलोक जी, आपका स्वागत। नमस्कार। कैसा रहा बजट? ओवरऑल बजट में ये कोशिश की गई है कि किसानों से शुरू करके और इसको फिर जनरल पब्लिक पे लाया गया है। सबसे पहले प्रयास ये रहा कि जो सीमांत और छोटे किसान हैं, ऐसे लगभग 12 करोड़ किसान जिनकी कि 2 हेक्टेयर या उससे कम जमीन है, उनको एक बड़ा फायदा शुरुआती तौर पर दिखता है, क्योंकि योजना 1 दिसंबर 2018 से लागू कर दी गई है और इसकी पहली किस्त जो है वो चुनाव से पहले जमा कर दी जाएगी 2000 रुपये की। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा शुरुआती फायदा सरकार को दिखता है। फायदा कहें या यूं कहें कि बड़े वर्ग को संतुष्ट करने की कोशिश की गई है। इसमें एक दूसरी बात और है कि पिछली 3 फसलों से जो किसान लगातार परेशान था, एक आर्थिक मंदी का दौर दिख रहा था, उससे भी एक किसानों को बड़ी राहत मिलेगी कि नहीं, कुछ हमारे खाते में आया। हाँ, ये बात जरूर है कि सरकार को इससे लगभग 75,000 करोड़ रुपये का सालाना बढ़ा रहने वाला है। निश्चित तौर पर वित्त मंत्री ने उसके बारे में कुछ विचार किया ही होगा, उसके बाद ही इसको लागू किया होगा, क्योंकि सरकार ये जानती है कि जब उन्होंने 1.5 गुना MSP करी है तो किसानों की आय बढ़ने वाली है, और अगर किसानों की आय बढ़ने वाली है तो निश्चित तौर पर बाजार में उससे पैसा आएगा। और बाजार में जब पैसा आता है तो सिर्फ भारत ही ऐसा देश है जहाँ पे 2 बार फसल आती है, और 2 बार फसल आने का फायदा ये है कि हर साल करीबन 6 से 7 लाख करोड़ रुपया आपको हर साल सिस्टम में दिखता है, और वो जो पैसा सिस्टम में आता है तो वो कहीं ना कहीं वापस सरकार के पास ही किसी न किसी रूप में जाता है। इसलिए 75,000 करोड़ रुपये सरकार के लिए निकालना उतनी बड़ी बात मैं नहीं समझता हूँ कि होगी। ये मेरा शुरुआती आंकलन है। दूसरी बड़ी घोषणा जो मध्यम वर्ग को लेकर हुई है कि इनकम टैक्स के स्लैब में बदलाव हुआ है, 2.5 लाख की सीमा को 5 लाख किया है, तो उसको किस रूप में देखते हैं? शुरुआती तौर पर बहुत लाभ की दिखती है, लेकिन स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला के अभी तक जो सुविधाएँ थी वो लगभग 4.5 लाख रुपये तक हो जाती थी। वित्त मंत्री जी ने जो बोला है, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला के सुविधा को 6 और 6.5 लाख के 2 अलग अलग दायरों में निश्चित किया है। अगर ये 6.5 लाख तक का दायरा सबको मिलता है तो 2 लाख का फायदा सबको मिलेगा, अन्यथा जो एक रिस्ट्रिक्टेड इनकम वाले हैं उनके लिए तो ये बहुत फायदे का है, लेकिन वो जो कुल करदाता है उनमें उनकी संख्या मेरे हिसाब से 1.5 करोड़ लोगों से ज़्यादा की नहीं होगी। लेकिन हाँ, योजना बड़ी है, पब्लिक को दिखने में बहुत अच्छी लगेगी, और इसका फायदा निश्चित तौर पर एक ऐसे परिवार को जिसकी आमदनी ही 30 या 35 या 40 हज़ार रुपये महीना है, और उसको अगर 1,000 महीना बचता है तो उसके लिए वो बड़ी राहत होती है। नोटबंदी के फायदे भी वित्त मंत्री गिनाते नजर आए, उन्होंने कहा कि नोटबंदी के बाद 1 करोड़ लोगों ने टैक्स देना शुरू किया है, इतने लाखों रुपए जो है वो प्राप्त हुए हैं सरकार को, तो क्या वाकई नोटबंदी फायदेमंद? नोटबंदी के 2 अलग अलग रुख हैं। पहला रुख जो सरकार के पक्ष में दिखता है कि उसके तत्काल बाद उन्होंने GST लागू करके बहुत सारी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन कर दिया, जिससे कि अधिकांश लोग टैक्स के दायरे में स्वतः आ जाए, पहली बात। दूसरी बात, फर्स्ट पॉइंट पे टैक्स कट जाने से आपके पास चोरी की गुंजाइश नहीं बचती है। कारोबारी भी नहीं चाहता है कि अगर वो सामान 1 नंबर में लेके आया तो उसको 2 नंबर में बेचे, तो इससे भी सरकार का रेवेन्यू बढ़ा है। और नोटबंदी के बाद में एक बड़ी चीज़ ये हुई कि बैंकिंग सिस्टम में एक साथ बहुत सारा पैसा आ गया, तो सरकार को निश्चित तौर पर उससे लाभ हुआ है, और सरकार को लाभ होने का सीधा मतलब है कि सरकार उस पैसे को अपने सिस्टम में ला सकती है, और उस तरीके से जब सिस्टम में पैसा आता है तो निश्चित तौर पे हो सकता है कि हमको 1-3 साल में उसके लाभ ना दिखे, लेकिन उस तरह के अगले 10 सालों में उसके बहुत लाभ दिखे। इस दृष्टि से अगर हम पीयूष गोयल जी के सत्यों को माने कि नोटबंदी का लाभ हुआ है तो सही है। अंतरिम बजट के पहले भी और यूं भी बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा रहती आई है, तो इस जो बजट अंतरिम पेश हुआ है आलोक जी, तो इससे कहीं रोजगार बढ़ने की संभावना नहीं है? शुरुआती तौर पर कोई ऐसी संभावना नहीं दिखती है, लेकिन जिस तरह से मत्स्य पालन और दूसरे उद्योगों के कर्ज पे 2% का जो उन्होंने रिबेट दिया है, निश्चित तौर पर इससे छोटे उद्योगों को लाभ मिलेगा। इसमें कौन कौन से उद्योग और दायरे में आते हैं ये अभी देखना पड़ेगा, क्योंकि वो एक डिटेल लिस्ट बाद में आएगी। अगर इस तरह से कर्ज के जो वो है ब्याज है उसके अगर कटौती की जाती है तो निश्चित मानिए रोजगार एक सप्लीमेंट्री चीज़ है, स्वरोजगार ज़्यादा जनरेट होगा। डिजिटल क्रांति की बात की है मंत्री जी ने, तो उसमें गांव को 1 लाख गांव को करीब डिजिटल क्रांति से जोड़ने, उसका डिजिटलाइजेशन करने की बात कह रहे हैं, तो ये सामान्य बात है? सामान्य से हटके है,
इसलिए हट गए क्योंकि अब जिस तरीके से हम लोग मोबाइल के युग में जी रहे हैं और सारी चीज़ों को हम मोबाइल पर करने लगे हैं। आप ये मानिए कि आप अपने यहाँ से 100-150 किलोमीटर दूर किसी गांव में भी जाएंगे ना, तो वहाँ व्यक्ति उतनी आसानी से मोबाइल को इस्तेमाल कर रहा है, तो ये सरकार के लिए उतना कठिन नहीं होगा। लेकिन इसमें शर्त यही है कि सरकार इसको किस स्तर तक ले जाती है, मंडियों तक ले जाती है, पंचायतों तक ले जाती है, या और भी जो छोटी चीज़ें हैं सरकार जिस तरीके से करना चाहती है उसको किस स्तर तक ले जाती है, क्योंकि उसमें निश्चित तौर पर जनभागीदारी बहुत बड़ा काम करेगी। व्यापार से चुके आप लंबे समय से जुड़े हैं प्रॉपर्टी सेक्टर, तो प्रॉपर्टी सेक्टर व्यापार क्षेत्र के लिए भी कुछ इसमें दिखाई दे रहा है। प्रॉपर्टी के लिए जो उन्होंने दो मकानों की जो बात बोली है कि दो मकानों तक जो होने वाली प्राप्त होने वाली आय पर जो छूट मिलेगी वो निश्चित तौर पर अगले 2-3 सालों में प्रॉपर्टी को बड़ा बूस्ट दे सकता है, क्योंकि आदमी पहली प्रॉपर्टी पर तो सारी टैक्स की छूट ले लेता है लेकिन दूसरी प्रॉपर्टी को छूट नहीं मिलती है। वित्त मंत्री ने जिस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया है, हाँ उसमें यह है कि अगर ऐसा ना हो कि एक अपनी ऊपर अगर लिमिट तय कर दी तो आप ये मानिएगा कि फिर उसमें रिस्ट्रिक्शन रहेगी, यानी अगर कोई ऊपरी लिमिट डिसाइड नहीं होती है जैसे कि 1.5 लाख तक की आय या 2 लाख तक की आय या 3 लाख तक की आय एक ही प्रॉपर्टी के लिए थी और अगर उसको बढ़ा के 2 मकान पे किया है तो निश्चित तौर पर अगर पहली प्रॉपर्टी में अगर व्यक्ति को वो छूट समय खत्म हो चुकी है और दूसरी मिलती है तो निश्चित तौर पर आप ये मानिए कि छोटी प्रॉपर्टी को एक नया बाजार मिल जाएगा। सत्ता का सेमीफाइनल भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हार गई है, अब फाइनल जिस कम टाइम पीरियड में इस पूरे को समझा, क्योंकि निश्चित तौर पर अरुण जेटली जी सारी कवायद देख रहे थे और जिस तरह से चूंकि चीजें उन्होंने फाइनल करी है लेकिन जिस प्रस्तुतिकरण के अंदाज में उन्होंने इस पूरे को प्रस्तुत किया है वो वाकई काबिले तारीफ है। मतलब ये कहना चाहिए कि उन्होंने बिल्कुल मोदी जी के अंदाज में इसको प्रस्तुत किया है और इसका निश्चित तौर पे मैं शुरुआती तौर पे मानता हूँ कि सेंट्रल इंडिया की अगर हम बात छोड़ भी दें तो जो आउटर स्टेट्स हैं देश के वहाँ निश्चित तौर पे इसका लाभ मिलेगा। मतलब ये चुनाव की आहट वाला बजट है? नहीं, चुनाव की नींव रखने वाला बजट है। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचें।